eyedropper and color sample tools. ये eyedropper tool है और work area के किसी भी स्थान पर या image पर sample करने के लिए या foreground या background के लिए एक color select करने की अनुमति देता है. ये eyedropper tool का function है और आप इसे shortcut में I key को दबाकर भी access कर सकते हैं. अब toolbar से tool को select कीजिए और चलिए हम इस image पर click करके एक color को sample करें. आपके लिए एक जरूरी नोट है, जैसे ही आप इमेज से एक कलर को चुनेंगे, फोरग्राउंड कलर न्यू सिलेक्टेड कलर से रिप्लेस हो जाएगा और आप इसे देख सकते हैं. फिर आप कर्सर को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, जिससे आप फोरग्राउंड कलर में हुए चेंज को देख सकते हैं. अब इस टूल के ऑप्शन की ओर चलते हैं. यहां पर आप सैंपल साइज ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जो रेंज को डिफाइन करता है कि आपको आईड्रॉपर से कलर को कहां से पिक करना है. सिलेक्टेड ऑप्शंस के अनुसार आईड्रॉपर टूल काम करेगा जब आप सैंपल साइज क्लिक करेंगे. आपको इसके ऑप्शंस मिलेंगे और आप इससे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आप सैंपल ऑप्शन जैसा कि करंट लेयर्स या ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड ऑप्शंस के अनुसार सैंपल करेंगे. कलर सैंपल टूल. कलर सैंपल आईड्रॉपर टूल में हिडन टूल है और ये पर्टिकुलर एरिया से सैंपल को कलर करने में हमारी मदद करता है. आप इस टूल के इस्तेमाल से एक से ज्यादा कलर सैंपल रख सकते हैं. यहां पर आप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और मनचाहा कलर पर एक सिंगल क्लिक करके आप चार डिफरेंट कलर सैंपल्स बना सकते हैं. ऐसे ही इमेज के डिफरेंट एरियाज पर सैंपल को डिफाइन करने के लिए चार बार क्लिक कीजिए. अब चार कलर सैंपल किया गया है और इस इन्फो पैलेट में प्रत्येक सैंपल का कलर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया गया है. जब आप किसी भी सैंपल पर कर्सर को मूव करेंगे, इस पैलेट में आप इसका कलर इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं. नोट, आप चार सैंपल से अधिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सैंपल पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं. चलिए ऐसे ही सैंपल पर क्लिक करके ड्रैग करें. जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, आप इन्फो पैलेट में कलर इन्फॉर्मेशन के चेंज को देख सकते हैं. ये टूल आईड्रॉपर टूल के जैसा सिमिलर ऑप्शन रखता है. ये क्लियर ऑप्शन इमेज के किए गए एंटायर कलर सैंपल को डिलीट कर देगा. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए ट्राई करके ऑब्जर्व कीजिए. हाँ, ये सैंपल को डिलीट कर देगा और यदि आपको इमेज पर दोबारा वे सैंपल्स चाहिए तो कीबोर्ड में कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस कीजिए. इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आप सैंपल्स को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार से आप एक कलर को चुन सकते हैं और आईड्रॉपर और कलर सैंपल टूल का इस्तेमाल कर इमेज पर सैंपल्स कर सकते हैं.